चलिए थोड़ा सा दीजिए, आप फोकस कीजिएगा। है सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और नेटवर्क की वजह से लगातार हमारा कार्यक्रम बाधित हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारी के छात्र हैं। आज यूके ट्रिपल एससी की बिल्डिंग के सामने है। जी क्या कुछ मामला है आज? आज किसका पुतला फूंक रहे हैं? जी सचिव साहब सुरेंद्र सिंह रावत जी का, जिन्होंने कल एक नोट्स जारी किया था कि हम इस संबंध में कि इस भर्ती को कैंसिल के संज्ञान में किया था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सर, मैं कलर के छात्र हूँ तो किस सब उसे सुरेंद्र सिंह रावत जी इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं? हमारी भर्ती निष्पक्ष है। आज तक पहले हम जितनी बार भी यहाँ आए, जितनी बार भी, कम से कम चौथी पांचवी बार आ रहा हूँ, हर बार उन्होंने यही कहा कि आपकी निष्पक्ष है, आपकी किस्मत अच्छी है, बढ़िया था, सब कुछ था, आपका सही है, आप घर में जाइए, 15 दिन बाद हम आपको तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते। और कल उनका वो आता अचानक से रात को, ऐसा क्यों कि सबको कैंसिल कर दो? ऐसा क्यों? अगर उनसे पूछा जाए तो ऐसा क्यों? मतलब पूछा नहीं आपने? जो सर वही तो पूछना चाह रहे हैं, है कहाँ? यहाँ आओ, यहाँ मिलने देते नहीं ढंग से, बाहर खड़े रहो, फिर कहेंगे आएंगे यहाँ, कहेंगे 15 दिन रुको, 15 दिन में आप हो जाएगा, आप मत आओ बार बार यहाँ। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा हम क्यों आएंगे बार बार यहाँ, आप हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए, हम क्यों आएंगे बार बार? आप अभी तो कह रहे हो कि सही है, सब कुछ बढ़िया है, आपका अच्छा है, LT का अच्छा है, स्टेनो का सही है, अब आप कह रहे हो कि ये सबसे बड़ी बात ये है ना सर, तो इनकी ना तो जांच चल रही है, STF ने क्लीन चिट दे दी कि भाई इन भर्तियों में जो है कोई विवाद नहीं है, तो इनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाए? SS रावत जी ने जितनी बार हम यहाँ पे गए उन्होंने कहा आप लोगों की किस्मत अच्छी है, आपकी भर्ती में कोई विवाद नहीं, तो कल ही क्या हो गया ऐसा? उन्होंने जो है शासन पे छोड़ दिया कि शासन ने इसमें वो लिया और अपनी तरफ से कह रहे कि हम तो इन भर्तियों को जो है निरस्त करना चाह रहे, तो किस बेस पे? अभी 2 महीने तो उनको हुए, उन्होंने पूरा परीक्षण तो किया नहीं भर्ती का, पर निरस्त किस बेस पे कर रहे? लेकिन मैं SS रावत जी को साफ कहना चाहता हूँ, अगर उनके जो बयान है, उनकी भर्ती जो निरस्त करने का प्लान है, अगर ये सच हुआ तो हम जो है ये पेड़ दिखाई दे रहे, जितने भी कनिष्ठ LT वाले लड़के इन पेड़ में लटक जाएंगे, उनको फिर यहाँ पे जो है उनको अपना वो देना पड़ेगा कि भाई लिखित में कि जितने लोग जो है पेड़ पे लटके हैं, फांसी लगाई है जिन्होंने, हम युवाओं ने, तो एक नोट्स जारी करें और बताइए कि हम जो है इनकी जिम्मेवारी भी लेता हूँ मैं, अगर भर्ती को निरस्त करना है तो मैं इनकी जिम्मेवारी भी ले रहे हैं जो लगातार जो है यहाँ पेड़ों पे लटकेंगे हम, तब पता चलेगा इनको। चलिए पेड़ पे लटकने की बात कर रहे हैं और इस समय ये जो छात्र हैं बड़े गुस्से में, थोड़ा महिलाओं से भी बात करेंगे, थोड़ा पीछे और पीछे। क्या है आज, किसका पुतला फूंक रहे हैं? और 17 अक्टूबर को रैली है, बहुत बड़ी रैली होने जा रही है तमाम सर, हम जो है सचिव साहब का जो है आज जो है पुतला फूकेंगे, और सचिव साहब ने जो ये लेटर दिया है और हमारे बारे में, हमारी भर्ती को भी जो धांधली वाली भर्ती के साथ इन्वॉल्व किया है या विधानसभा भर्ती से कंपेयर किया है, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम लोगों में जो पेपर हुआ है वो 14 सब्जेक्ट्स का हुआ है सर, और STF ने भी लिख के दिया है कि कोई ऐसा जांच का मामला SLT में नहीं चल रहा है, फिर ये क्यों खरदूषण बन रहा है या ये क्यों औरंगजेब बन रहा है यहाँ पर? आपको एक जानकारी दे दूं, यहाँ पे कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से नहीं चलता है, पत्ता भी नहीं हिलता है। जो लेटर था उसमें सिग्नेचर जो है सुरेंद्र सर के हैं, तो हम तो उन्हीं से जवाब मांगेंगे। अच्छा, हाँ जी, चलिए सुरेंद्र रावत जी आपसे जवाब मांग रहे हैं और जवाब के लिए आज ये यहाँ धमके हुए हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें कहीं पर की जिम्मेदारी मिलती है तो हमें वहाँ पे निगेटिव वे में नहीं जाना चाहिए। ये निरस्त करना तो एक सिंपल वे है कि हम इसको निरस्त कर दें और अपनी जिम्मेदारी से बच जाएं। तो हमारे अधिकारियों को जो है AC में सोने की आदत पड़ गई है और आराम से AC में रहने की आदत पड़ गई है, अब यहाँ पे हार्डनेस उन्हें मिला है कि अब कैसे मैं फाइंडिंग आउट करूं, तो उन्हें बस एक ही सुझाव आया कि मैं इसको निरस्त कर दूं। जबकि जो है हमारी भर्ती में 14 पेपर होते हैं, पहले हम फिल्टराइजेशन होके आते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं BEd का, फिर CDET क्वालिफाई करते हैं अच्छे मार्क्स से, उसमें भी 60% से अबव चाहिए होता है, उसके बाद हम ये पेपर देते हैं, 14 पेपर होते हैं इसके, उसमें हम क्वालिफाई होते हैं, और उसके बाद सचिव जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, हमें लग रहा। चलिए भाग रहे हैं, पहले संतोष बडोनी, मैं आऊंगा आपके पास में, पहले संतोष बडोनी यहाँ सचिव हुआ करते थे, SRAJU अध्यक्ष हुआ करते थे,
अब एक रावत जी आए हैं, सचिव आए हैं, लेकिन सवाल कम होने का नाम नहीं ले रहे। इन युवाओं का गुस्सा चरम पर है और ये कह रहे हैं कि हम पेड़ों से लटक जाएंगे। एक समय में चमगादड़ पेड़ों से लटकते थे, लेकिन अधिकारियों ने हमारे युवाओं को पेड़ों पर लटकने को मजबूर कर दिया। क्या कहना चाहेंगे सर? हमें जो है जब यहाँ पर इससे पूरे जो सचिव थे उनके हटने के बाद हमें उम्मीदें थी कि चलिए नए सचिव कुछ हमें अच्छा कुछ करेगा। हमारे क्षेत्र से ही है जौनसार से, मुझे बड़ी खुशी थी, मुझे नहीं हम तमाम क्षेत्रों को बड़ी खुशी थी कि हमारे क्षेत्र से जो यहाँ पर आयोग में सचिव बने हैं। तो आज मुझे खुद भी शर्म महसूस हो रही है। से हैं वो जौनसार से? जी जौनसार से हैं। हमें खुद ही आज महसूस जो शर्म महसूस हो रही है कि हमारे क्षेत्र से इस तरीके से यहाँ पर अधिकारी बने हुए हैं जो इतने लोगों की जो है पीड़ा या जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मुझे आज समझ में आ रहा है कि काश वो सचिव नहीं बनते तो हम उससे अच्छा ठीक ही था। तो हम यही मांग करते हैं, सरकार से भी यही मांग करते हैं कि जो आप सचिव जो बैठे हैं इनकी पहले मानसिक स्थिति चेक करिए आप। सुनने में यह आता है कि उनको पता नहीं है कि अभी एक महीना हुआ है, तो क्या ये इनको ये पता है कि निरस्त कर दो भर्ती? किस आधार पर वो निरस्त करने की मांग कर रहे हैं? और जिस पर धांधली हुई है, जिस पर गिरफ्तार हुए हैं, उस पर वो कुछ कहने में असमर्थ है, तो कैसे यहाँ पर सचिव बने? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनको यहाँ पर सचिव बनाया तो किसने बनाया? ठीक है जी, ये सवाल पूछ रहे हैं, युवा सचिव बनाया है तो किसने बनाया है? जाहिर सी बात है शासन ने सचिव बनाया होगा। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इसमें खोजबीन की होगी। जीएस मार्तोलिया जी को अध्यक्ष और रावत जी को सचिव बनाया है। भाई साहब, सचिव बनाने की प्रक्रिया पे हम नहीं जाएंगे। आज आप पुतला फूंक रहे हैं, पहले बड़ोनी जी का फूंक रहे थे, अब रावत जी का फूंक रहे हैं, कब तक फूंकता रहेगा युवा? जी सर, हम यही जानना चाह रहे हैं कि कब तक युवा ऐसा जलता रहेगा। देखो हमारा स्टेनो वाला है, स्टेनो आसुलिपि वाली भर्ती है, उसमें भी अभी तक अभी जो संवाद दिया गया है सचिव द्वारा, सचिव ने कहा है कि किसी विशेष क्षेत्र अनुपातिक रूप से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कहना गलत है कि किसी विशेष क्षेत्र से अनुपातिक रूप से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है उसकी जांच भी करा सकते हैं, बट हम ये देखते हैं कि अभी स्टेनो बच्चे पहाड़ में अभी तक बच्चे जानते भी नहीं है कि स्टेनो चीज है क्या। हम अगर देहरादून आते हैं या मैदानी क्षेत्रों में बच्चे तैयारी करने आते हैं तो हमें पता चला है कि स्टेनो से भी सरकारी जॉब लगती है, तो इसके लिए तैयारी बच्चे मैदानी क्षेत्र में ही ज्यादातर करते हैं। तो इसका ये अनुपातिक रूप जो अनुपातिक आधार जो सचिव जी ने कहा कि अनुपातिक आधार पे आपको किसी जिले में ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका आधार बिल्कुल निराधार है। चलिए चलिए, इसका आधार निराधार है और यह नेताओं के आधार परिपूर्ण है, बाकी का कुछ हो या ना हो। लेकिन मैं बता दूं, ये लाल सी दिखने वाली बिल्डिंग सवालों के घेरे में है, ये लाल बिल्डिंग सवालों के घेरे में है, ये लाल बिल्डिंग के पूर्व सचिव सवालों के घेरे में है, पूर्व अध्यक्ष भी सवालों के घेरे में है। मैं आऊंगा आपके पास में, आपका वर्जन में ले चुका हूँ। थोड़ा इधर दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन दिखाए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये बिल्डिंग बहुत बड़े सवालों के घेरे में है और पैंट और कुर्ता लटका है। आज यहाँ के सचिव का पुतला फूका जा रहा है, हालांकि ये बैठे कुर्सी पे जरूर हैं, लेकिन ये कुर्सी भी सवालों के घेरे में आ गई है। पता नहीं कहाँ से बेचारे अच्छी सी कमीज लाए हैं, इस पे भी पैसा खर्च किया होगा, एक जींस भी लाए हैं, हालांकि छोटे बच्चे की है लेकिन है अच्छी। अब इसको भी फूक दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है युवाओं पे, वैसे पैसे नहीं है, वैसे ये कमीज भी एक और फूक देंगे। इधर सुंदर से रावत जी बैठे हुए, नए नवेले पदभार ग्रहण करा और आते इनके पुतले फूकने शुरू कर दिए इन्होंने। तो ये थोड़ा सा, अच्छा मिट्टी का तेल, ये क्या पेट्रोल है? मिट्टी का तेल है ये क्या है? बिल्कुल, ये मिट्टी का तेल भी है, पेट्रोल है, सब है। इतने से फूक जाएगा? ये कर रहे हैं कि ये बस जल जाए, बस इनकी जो है मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। चलिए ठीक है, तो हम अपने अपने संघर्ष से जलाएंगे इनको, इससे कुछ नहीं होने वाला, अपने संघर्ष से जलाएंगे इनको। चलिए, इस देश में रावण को फूका जाता है, लेकिन रावण यहाँ आज भी मौजूद है, हर साल विजयदशमी में रावण फूकते हैं, अब ये सचिव को फूक रहे हैं और इतना सिका पेट्रोल से फूक रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा इससे क्या फूकेगा, पर चलिए खैर परंपरा है फूकने की। तो थोड़ा इधर, थोड़ा हमें भी दिखाने दें, थोड़ा पीछे पीछे रहे, अभी बोलेंगे, अभी अब ये फूकने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में अब ये यहाँ पे डंडे भी लगाए गए हैं, अब फूकने की तैयारी चल रही है। और किस तरह से ये, अरे दूर दूर खड़े रहना, और थोड़ा सा ये आपको हम दिखा दें,
ऐसा आगे सर सामने ही आगे सर के सचिव है उनका पुतला फूंका जा रहा है, इतनी बड़ी बात है। तो इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नए नवेले ताजे ताजे बने हुए यूके ट्रिपल एससी के जो सचिव हैं उनका पुतला फूंका जा रहा है और इस समय ठीक बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं और अब एक बोतल में पेट्रोल है, नारेबाजी शुरू हो चुकी है और इस नारेबाजी के बीच में नए नवेले सचिव महोदय का पुतला फूंकने का कार्यक्रम अब शुरू हो गया है। मिट्टी का तेल पेट्रोल डालना शुरू कर दिया, यह आग लगा दी गई है बिल्डिंग के सामने ही। थोड़ा आगे सर जाए, आगे सर जाए और ये धू धू कर जलने लगे, आधे जले थे कि गिर पड़े, आधे जले और गिर पड़े। अब इनके मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं, ये देखिए आगे आ जाओ। तो यहाँ पे अब आप देखिए, ये थोड़ा देखिए इनका जोश जुनून देखिए, सब लोग ये फूंक के अब सोच रहे हैं कि हमने काम कर दिया है, काम कर देवे। तो इस समय हम यूके ट्रिपल एससी के बिल्डिंग के ठीक सामने हैं और आयोग के ठीक गेट के सामने यहाँ के सचिव का पुतले को दहन किया गया है और पुतला धू धू कर जल रहा है। तो अभी जो आईटी के चयनित छात्र हैं वो लगातार इस मांग को लेके अपनी बात को लेके मुखर हो रहे हैं और अभी अभी इनका पुतला जला दिया गया है। अब देखेंगे आगे ये क्या करेंगे, पुतला तो जला दिया है और आज बिल्डिंग भी बंद है, आज छुट्टी भी है ऊपर, आप देख सकते हैं। अब सुरेंद्र रावत जो सचिव हैं उनको लेके नारेबाजी भी चल रही है और युवा पसीने पसीने हो रखे हैं इस समय। और ये आप देख सकते हैं यूके ट्रिपल एससी की बिल्डिंग है, उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग जो सवालों के घेरे में है और युवा आप देख सकते हैं बड़ा जोश में है, यहाँ इन युवाओं में महिलाएं भी हैं और युवा भी है। तो 17 तारीख को एक बड़ी मार रैली होगी तमाम प्रदेश के यहाँ पर युवा, तो चलिए कुछ करेंगे और अपने हक के लिए हम जो है लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचार रूपी जो आयोग है और ये सरकार है जो हमारे जनता के। चलिए यहाँ भी थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, यहाँ भी कुछ हो रहा है, इधर भी देखते हैं कुछ। ये एल आई वाले हैं, यहाँ पे 14 अलग अलग पेपर होते हैं, 14 भी सही के अलग अलग पेपर होते हैं, अब हो गया हो गया हो गया। नमस्कार, कैसे हैं, सब ठीक है? हम कल भी हमारा प्लान किया था, कल हम थोड़ा लेट हो गए।